नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग करा 84.05 यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज के दिन में बिन्स यहाँ पे तकरीबन 2% तक तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। ऊपर के साइड धीरे धीरे में से गैप अप से ओपन हुआ स्टॉक, आज एक अच्छी मोमेंटम नजर आ रही है। धीरे धीरे अपमूव यहाँ पे होते हुए नजर आ चुका है स्टॉक के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 85 लेवल है, यहाँ पे स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस एक्ट हो जाएगी। तो 85 को ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी नज़र ओपन हो सकते हैं तकरीबन। पर मार्केट कैप 34,000 के ऊपर है, अभी तक 35,000 पे नहीं गई। फिर से पी रेशियो 10 के करीबन है जो कि अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे 5.35% है जो कि अच्छा डिविडेंड दे रहा है स्टॉक। तो बाकी के जो रिटेल स्टॉक है जैसे कि लास्ट 1 मंथ की भी बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते कि गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे पिछले वीक में। तो उसी की वजह से देख सकते कि स्टॉक 80 लेवल के करीबन सपोर्ट लगे, फिर से बाउंस बैक हो चुका है। चार्ट के ऊपर भी नज़र डाली जाए तो लेटेस्ट कोई अपडेट है यहाँ आप देखा जाए तो कोई खास अपडेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते कि गिरावट आ चुकी थी। डिविडेंड के दिन भी यहाँ पे नेगेटिव था स्टॉक, पर रिसेंटली बाउंस बैक हो रहा है। तो रेजिस्टेंस लगेगा वो 85 टू 86 लेवल पे लग सकता है अगला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए। वॉल्यूम्स अच्छे खासे जनरेट होते हैं तो स्टॉक में ऊपर जाने के जो चांसेस है और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वॉल्यूम जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक्स के अंदर ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला रेजिस्टेंस 85 के बाद लगेगा, वो तकरीबन 88 टू 89 लेवल पे लग सकता है, क्योंकि स्टॉक ने इस मंथ में उसी लेवल के करीबन काफ़ी रेजिस्टेंस लिए है। तो वो लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे सेल स्टॉक के लिए।